ये जो हमारा फर्स्ट वीक का है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में जो है वो कुछ क्लासेस ने हमारा कॉन्टिनम कंसेप्ट से पीछे पीछे सारा पढ़ लिया था, लेकिन कुछ क्लासेस का जो है एक दो टॉपिक रह गए थे, जैसे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डेफिनेशन ऑफ ए फ्लूइड। मैं बुक पे भी शो कर देती हूँ कि कुछ क्लासेस का जो है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी हो गया था और डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड स्टडी हो गई थी। आगे से हमने जो है ये हाइपोथेसिस स्टार्ट करना था 1.5 आर्टिकल। तो जिन क्लासेस का नहीं हुआ था वो फिर यहाँ से मैं उनके ये दोनों पहले आर्टिकल कंप्लीट करूँगी 1.3 और 1.4, देन फिर हम जो है 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह है कि सबसे पहले हम लोगों को 1.3 टॉपिक के अंदर ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम फ्लूइड स्टडी कर रहे हैं तो हमें फ्लूइड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब फ्लूइड के अंदर मैंने आपको बताया था हम कौन कौन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, लिक्विड को और गैस को। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मैटर की जो स्टेट है उसे हम कहते हैं कि तीन स्टेट हैं, एक हमारे पास सॉलिड है, दूसरी हमारे पास लिक्विड है और तीसरी हमारे पास गैस है। सॉलिड जो है उसको हम फ्लूइड में कंसिडर नहीं कर रहे, लिक्विड और गैस को फ्लूइड में कंसिडर कर रहे हैं। तो हम हमारे पास जो मैटर की स्टेट है एक फोर्थ भी कंसिडर की जाती है, प्लाज्मा, जिसको इधर डिस्कस नहीं किया गया। इधर बस ये तीन स्टेट्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई एक सॉलिड बॉडी लेती हूँ तो इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से पैक हैं। अगर ये इसके मॉलिक्यूल हैं, इसी तरह मैं एक लिक्विड लेती हूँ, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से पैक हैं, और अगर मैं एक गैस लेती हूँ तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो कुछ इस तरह से पैक। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूलर आपस में डिस्टेंस है ये बहुत करीब है, बाउंडिंग है। इनके अंदर जो है वो कैसे फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है कुछ दूर हैं, और इनकी जो है कंपैरेटिवली सॉलिड के इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग जो हैं वो हमारे पास वीक फोर्सेस हैं इसके अंदर। और जो गैसेस हैं उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आपस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम कहेंगे इसमें वेरी वीक जो हैं वो फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस कौन सी फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ, उन फोर्सेस की जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर लगाता है। अब हम अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लें इसी एक मैटर में से, कोई भी एक मैटर में से दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को हम कॉल करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स है इस फोर्स के बिहाफ पे हम कहते हैं कि इसकी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग है, इसकी वीक है और इसकी वेरी वीक है, ठीक है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किया इन सब चीज़ों का, और इन द एंड हमने फ्लूइड के ऊपर देखा कि फ्लूइड में लिक्विड और गैस में से किसके अंदर जो है ये फोर्स कम है और किस में ज़्यादा। तो लिक्विड्स में ये फोर्स एज कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ी। जब हमारा ये 1.3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो अब उसके बाद आती है बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड की, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। हम यहाँ पे भी इसको पढ़ चुके हैं, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे भी आपको। यहाँ पे भी हम अच्छे से अपनी फ्लूइड की डेफिनेशन को स्टडी कर चुके हैं इस स्लाइड के अंदर, और फिर हमने फ्लूइड को भी किया था, फिर मैकेनिक्स को भी किया था, और उसके बाद ये है क्या फ्लूइड मैकेनिक्स उसको भी स्टडी किया था। तो एक दफ़ा फिर जो है हमारे बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दोबारा से स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। मैंने आपको बताया ऐसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैंने आपको बोला था अगर आप एक सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा जो है अपनी शेप को आगे बेंड कर लेगा, यानी कि उसकी आगे की तरफ मोशन आएगी सिर्फ इतनी, यहाँ पे आके वो स्टॉप कर जाएगा। लेकिन अगर आप एक फ्लूइड लेते हैं उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं
तो वो कंटिन्यूस फ्लो में आ जाएगा, उसके अंदर मोशन आती जाएगी और उसके पार्टिकल सारे आपस में रैंडम मोशन करते जाएंगे। इसकी आप एग्जांपल प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बॉल लेते हैं, उस बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो डी शेप हो जाती है, फिर एक और बॉल लेते हैं उस पर सॉरी एक और जगह से फोर्स लगाते हैं, एक और जगह से फोर्स लगाते हैं, आप डिफरेंट जगह से उसके ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं, वो डी शेप होती रहती है, इन दैट वो ब्रेक कर जाती है या वो डी शेप होना बंद हो जाती है, उसके बाद फर्दर वो डी शेप नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड की बात करें या किसी गैस की बात करें तो आप उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाएं वो ब्रेक नहीं करता। आप उसको एक कंटेनर ग्लास से उठा के एक कंटेनर बाउल में शिफ्ट कर दें तो भी वो इसकी जो है बॉडी की शेप को ले लेगा। अगर आप यहाँ से उठा के उसे बारीक पाइप में कर दें तो वो उसकी शेप ले लेगा। यानी फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है तब तक जब तक हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते रहते हैं। तो हमारे पास फिर इसकी डेफिनेशन बहुत इजी बन जाती है कि ये क्या है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होने वाला एक फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस। और ये मैटर नहीं करता कि स्ट्रेस कितनी लगाई जा रही है, थोड़ी है या ज़्यादा है। अच्छा, और कुछ लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो रखने की सालियत रखता है एंड विच कन्फर्म्स टू शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, और जो है वो जो भी हमें शेप की दी जाती है, कंटेनर दिया जाता है, जो वेसल दिया जाता है उसकी शेप को जो है वो ये कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको हम बोलेंगे हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। अब हम आ जाते हैं इसमें, उन्होंने यही दिखाया हुआ नीचे कि जब हम लिक्विड को डालते हैं तो वो अपनी जगह पर रह जाता है, लेकिन गैस को डालते हैं तो पूरे जार की जगह ले लेता है। यानी कि उसके जो मालिक्यूल्स हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस, यानी उसके दरमियान जो मालिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम होती हैं, तो वो फुल वेसल के अंदर फैल जाता है और ये अपनी हाफ प्लेस पर ही रहता है, हाफ पर कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो है वो वाली फोर्सेस एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा हैं, तो वो अपनी स्पेस अपनी जगह पर ही रहता है। अच्छा, उसके बाद हम 1.5 टॉपिक पर आते हैं, ये हमारे पास है हाइपोथेसिस। अच्छा क्लास, आपको जो है इसको स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास ये है क्या, ये जो कॉन्टिनम हमारे पास है ये है क्या। अच्छा, मैं आपको बता रही थी जो कॉन्टिनम कंसेप्ट है क्या, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास इस कंसेप्ट को इस तरह से लिया जाता है कि जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक मैटर ले लेते हैं, उस मैटर के अंदर जो हमारे पास एटम्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उसके ऊपर बात की जाती है कि वो स्पेसेस जो हैं वो क्या इक्वल हैं या नहीं। देखिए, एटम्स आर वाइडली स्पेस्ड इन द गैस फेज, हाउएवर वी कैन डिसरिगार्ड द एटॉमिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, व्यू इट इज अ कंटिन्यूस होमोजेनियस मैटर विद नो होल्स दैट इज अ कॉन्टिनम, दिस अलाउज अस टू ट्रीट प्रॉपर्टीज एज स्मूथली वेरिंग क्वांटिटीज। Quantum is valid as long as size of the system is large in comparison to the distance between molecules. ये सारी डिटेल्स के बारे में जो लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ जो स्लाइड में लिखी हुई थी कि हम continuum concept जो है वो क्या लेते हैं। आपको मैंने बात की कि हमारे पास अगर एक मैटर है, मैटर के अंदर अगर एटम्स हैं, कहते हैं अगर इन एटम्स के दरमियान स्पेस की बात की जाए तो क्या हर एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से ये स्पेस जो है वो इक्वल होती है कि नहीं। तो इक्वल होती है कि नहीं, ये देखना है हमने। अब हमारे पास ये जो अगर हम कहते हैं कि विदाउट कंटेनम बात की जा रही है, तो ये एटम्स ऐसे हो सकते हैं, ये कोई भी जो है वो कंटिन्यूस इसमें नहीं बन रहा, किसी में ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में उसके एज कम्पेयर कम है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें कि सर इक्वली स्पेस है, मैं बहुत सिंपल लाइंस में आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये हाइपोथेसिस हमारी फ्लूइड में क्या लिया जाता है। एक सॉलिड बॉडी के अंदर जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं तो वो इस तरह से बाउंड होते हैं, ये जो होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसके अंदर ये सिचुएशन होती है। अब हमारे पास अगर हम फ्लूइड
के अंदर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसकी अंदर आगे एडवांसमेंट लाएं, रिसर्च करें, तो अगर हम इन डिस्टेंस को डिफरेंट लेके चलते हैं ना, तो फिर हम रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते, हम रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये तो हर लम्हा चेंज होता रहता है रिलेटिव टू अदर मॉलिक्यूल्स, इसकी मोशन के अकॉर्डिंग इनका डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो फिर हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं बनती कि हम इसके अंदर मज़ीद एडवांसमेंट ला सकें, इसकी स्टडी कर सकें। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है फ्लूड का, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे कंसिडर कर लेना पड़ता है, यानी कि हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम अपने फ्लूड को ट्रीट करें एज अ कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम ये तब होगा जब मैं ये कहूँगी कि ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। बेसिकली ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम अपने फ्लूड में जब इसको स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, इक्वल है। तो इसी चीज़ को जो है वो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है कि हम लोग अपने फ्लूड के अंदर इस डिस्टेंस को इक्वल रखते हैं। अब जब भी हम नेक्स्ट फर्दर स्टडीज़ करेंगे, कोई भी हम लोग बॉडी कंसिडर करके किसी चीज़ के लिए कोई इक्वेशन निकालेंगे, या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, या जब हम इसकी कोई किसी भी तरह की फ्लूड की स्टडी को हम करेंगे, तो हम इसकी स्टडी के अंदर एक बात याद रख लेंगे कि हमने शुरू में ही एक हाइपोथेसिस जो है उसको सच मान लिया था। वो हमारे पास क्या था, वो कॉन्टिनम था हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्टिनम हाइपोथेसिस है, इसका आपको सबको सेपरेट सेपरेट पता होना चाहिए क्या है। सिंपल लाइंस के अंदर के जो एटम्स हैं किसी भी मैटर के अंदर, वो इक्वली स्पेस होते हैं सॉलिड्स के लिए, बट लिक्विड्स के लिए नहीं होते, गैसेस के लिए नहीं होते, लेकिन हम अपने स्टडी के अंदर इनको इक्वल कंसिडर कर लेंगे, और फिर हम कहेंगे कि हमारे फ्लूड के अंदर भी इनका डिस्टेंस सेम सेम है, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा हमारा जो हाइपोथेसिस था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये पहले उसने कॉन्टिनम बताया हुआ क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड में उसने ये बताया हमें कि ये हमारे फ्लूड में कैसे है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज से पहले बल्कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि फ्लूड बॉडी क्या होती है, फ्लूड पार्टिकल क्या होता है, फ्लूड की बॉडी और पार्टिकल क्या है। ये हाइपोथेसिस के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारे पास है फ्लूड बॉडी एंड फ्लूड पार्टिकल। द फ्लूड मैटर बाउंडेड बाय सम इमेजिनरी क्लोज सरफेस एस विच मूव्स विद द फ्लूड इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लूड बॉडी। क्या कहा उसने इस बात में, उसने कहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस, यानी ठहरेंगे, उसने ये बोला है हमें कि हमारे पास जो एक फ्लूड मैटर है, अगर वो किसी एक सरफेस एस के अंदर क्लोज्ड है, कोई भी वो सरफेस किसी भी तरह की हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो ऐसी सरफेस है एक, उसके अंदर हमने अपना फ्लूड डाला हुआ है, इसका नाम है एस, और ये जो है मूव कर रही है या रेस्ट पे है, जो भी इसके साथ है, तो हम बोलेंगे कि यही इसकी बॉडी है, किसकी, फ्लूड की। यानी फ्लूड की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, मेरे पास लिक्विड है वो एक बॉटल में पैक है, तो वही उसकी बॉडी है। यानी अगर वो इस बॉटल के अंदर है हमारे पास फ्लूड, तो इसकी शेप क्या है, वही है जो इस बॉटल की है। अगर हमने उसको इसके अंदर पोर कर दिया है, तो हम कहेंगे इसकी वही बॉडी है जो इस बाउल की है जिसमें हमने इसको डाला है। तो फिर हम लोगों के, हमें ये पता लगा कि जो फ्लूड की बॉडी है बेसिकली वही है जो वो जिस शेप के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट जो है हमें ये भी पता है कि हमारी जो बॉडी है, हम लोगों ने इसको कॉन्टिनम ले लिया है, यानी कि जो बॉडी के अंदर हमारे एटम्स हैं, हमने उनको कॉन्टिनम ले लिया है। तो इसलिए जब हम अब कोई भी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, तो हम किसी एक पार्टिकल के लिए बात कर लेंगे, हम किसी भी एक पार्टिकल को लेकर उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि पहले हमने पूरा फ्लूड लिया, फ्लूड को पोर किया, तो उसने जो शेप ले ली वो फ्लूड की बॉडी हो गई, और उस फ्लूड के अंदर से किसी एक पार्ट की बात की जाएगी, उसके ऊपर हम तमाम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उसे बोलेंगे ये फ्लूड पार्टिकल है। समझ में आ गया, यानी कि उसका जो स्टडी है वो इस एक पार्टिकल के ऊपर होगी। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चलें अब हम इसको प्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या है।
प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इंक्रीज एट ग्रेटर डेप्थ। ये मैंने इसको विजुलाइज पिक्चर से करवाया है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है किस पर, सरफेस पर। किसकी सरफेस की बात हो रही है, फ्लूड की सरफेस की। और ये जो है जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग डेप्थ में, किसकी डेप्थ में, फ्लूड की डेप्थ में, यानी कि ये फ्लूड का जो अब हमारे पास हायर है, उसके बाद हम नीचे जाते जाते हैं तो ये हमारे पास डेप्थ आती जाती है। डेप्थ में जाके कहता है ये और ग्रेटर हो जाता है। और ये निकालते कैसे हैं, इसको हम निकालते हैं फोर्स को एरिया पे डिवाइड करके, फोर्स को एरिया पे डिवाइड करके ये निकलता है। इसका सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। हर एक को पहले से भी प्रेशर का पता है, पहले भी बहुत टाइम प्रेशर पढ़ चुके हैं। और जब भी हम प्रेशर पढ़ते थे आप लोगों ने ये लाइन नहीं पढ़ी हुई पहले कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। ये लाइन कैसे ऐड हो गई हमारे पास, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फ्लूड की, तो जब भी फ्लूड होगा तो उसके अंदर लेयर्स होंगी, तो हर लेयर के ऊपर जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो मैं बोलूँगी कि जो प्रेशर इस वाली, जो हमारे पास डिफरेंट लेयर हैं, इस लेयर में जो प्रेशर इस लेयर पर लग रहा है वो एज़ कंपेरेटिवली इस पे जो प्रेशर लग रहा है उससे कम है। क्यों, क्योंकि जो ये लेयर है ये भी अपना एक प्रेशर इस वाली लेयर के ऊपर डेवलप करती है। इस तरह जैसे जैसे हम इसके करीब जाते जाते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो यहाँ डेवलप होता है, जो लास्ट वाली लेयर होती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे पास जो लेयर्स का जो सबसे लास्ट वाली लेयर का जो ऊपर तमाम लेयर्स का जो होता है बर्डन, यानी जो उनका प्रेशर है वो उस लेयर पे पड़ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि डेप्थ में जाकर यही प्रेशर ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको बता दिया ये परपेंडिकुलर प्रेशर होता है जो कि बाहर वाली लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ये हवा का प्रेशर भी इस चीज़ इस लेयर के ऊपर हो सकता है, तो वो जिससे जिससे हम नीचे आते जाते हैं वो प्रेशर हमारे पास बढ़ता जाता है। इसको अगर आप फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो प्रेशर को, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। और इसका हमारे पास फोर्स के लिए जो यूज़ होता है एफ, बोल्ड एफ, और जो एरिया के लिए यूज़ होगा वो होगा कैपिटल ए। तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा कि जितना एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है पर यूनिट, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास प्रेशर है। ठीक हो गया जी, मैं बात कर रही थी प्रेशर की। तो अब हमारे पास ये है प्रेशर, सिंपल इसको प्रेशर कहेंगे। और इसमें हमें क्लियर हो गया कि जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर की बात हो रही है, आम जब हम रूटीन में कहें कि हमारा जो है फ्लूइड मोशन में है तो हम इस प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर हमारे पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये प्रेशर सिर्फ हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा फ्लूड जो है वो स्टैटिक होगा। अब स्टैटिक से क्या मुराद है, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। जब हमारी जो है फ्लूड रेस्ट पर है तो हम बोलेंगे उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कौन सा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। और जो प्रेशर स्टैटिक में होता है वो है नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट, वही चीज सेम, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट, जो उसका सरफेस हमने लिया, ठीक है, उसका एरिया, ये भी सेम वही फार्मूला है हमारे पास। लेकिन इसमें साथ में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी आया, एरिया भी आया, यूनिट एरिया ही बोला, ये भी प्रेशर है, लेकिन साथ में क्या करेंगे, इन रेस्ट कंडीशन या फिर इन स्टैटिक फ्लूड। सिर्फ यही चेंज है एक प्रेशर में और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में, कि जब बात की जा रही होती है कि इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारा फ्लूड जो है वो रेस्ट पर है, और जब बात की जाए इसका प्रेशर इतना है तो इट्स मीन कि वो रेस्ट पर नहीं है, सिंपल प्रेशर की बात हो रही है, हैं दोनों ही परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसके बारे में ये भी माना जाता है कि जो ये प्रेशर है किसी एक पॉइंट पर, कोई भी फ्लूड जो हमने लिया है उसके किसी एक पार्टिकल पर जो रेस्ट में बैठा हुआ है, ये प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है एक पॉइंट पर फ्लूड के अंदर वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है।
अब आइसोट्रोपिक क्या है? इट्स मीन कि इसकी जो हमारे पास प्रेशर है वो हर तरफ से, हर डायरेक्शन से जो भी लग रहा है इस एक पार्टिकल के ऊपर, चाहे वो यहाँ से लग रहा है, चाहे यहाँ से लग रहा है, चाहे यहाँ से लग रहा है, चाहे यहाँ से लग रहा है। देखिए, इस एक पार्टिकल की अगर बात की जाए तो इस पर हर तरफ से लगने वाला तो उसके ऊपर 90 का एंगल बना के ही लग रहा है ना। यानी कि इस एक पार्टिकल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो आइसोट्रॉपिक है, इट्स मीन इक्वल है। तो हमें ये बात पता चल गई, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करते कि वो आइसोट्रॉपिक है या नहीं है। लेकिन जब हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करते हैं जिसमें फ्लूड रेस्ट पे होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन पे प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि हर डायरेक्शन से इक्वल लग रहा होता है। आपकी बुक में इसका प्रूफ भी है, लेकिन कोर्स में हमारे शामिल नहीं है इसका प्रूफ। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्लूड की स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने प्रेशर को जो है पीपीटी के अंदर स्टडी किया सारा, कि ये हमारे पास प्रेशर है, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये लिखी हुई, ये आपने लर्न करनी है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली पे लगे तो इसका फार्मूला थोड़ा चेंज आता है। उसके बाद यहाँ बताया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, और ये बताया कि ये स्टैटिक की कंडीशन में होता है, और इसमें जो है प्रेशर की डेफिनेशन ये है, द प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूड इज डिफाइंड एज द नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सर्फेस इमर्ज इन अ फ्लूड। द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड एट रेस्ट इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन फॉर अ स्टैटिक फ्लूड द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। हमने बस ये बताना है कि तमाम डायरेक्शन में सेम होता है, फिर हमने इसका प्रूफ जो है वो स्किप कर देना है, और इन द एंड ये रिजल्ट निकालना है कि जो प्रेशर है चाहे वो एक्स एक्सिस, चाहे वो वाई एक्सिस, चाहे वो जी एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन से लग रहा हो, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह इसका जनरल केस भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद बारी आती है स्ट्रेस की। अब जब स्ट्रेस की बात आती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं प्रेशर के साथ। तो स्ट्रेस को मैं आज क्लियरली आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल में, ताकि आप इसको प्रेशर के साथ मिक्स नहीं करें, क्योंकि इसका भी वही फार्मूला होता है, ये देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हमारे पास प्रेशर का था। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस हमारे पास क्या है। प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, स्ट्रेस, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, फ्लूड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या करें स्ट्रेस के लिए, कि हम कहते हैं कि हमारे पास अगेन फिर वही बात कि एक सरफेस है, इस सरफेस को हम कह देते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास एस सरफेस है फॉर एग्जांपल, जिसका एरिया जो है वो हम लोगों ने ए लिया हुआ है, नहीं बल्कि इसका एरिया डेल्टा एस कहते हैं, जो हम जिस पार्टिकल के ऊपर हम लगाएंगे ना फोर्स को फिर वैसे ही एफ से डिनोट कर दिया है। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो पर यूनिट एरिया फोर्स लग रही है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इस सरफेस के एक यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स है ऑन विच इट एक्ट्स, ये इसकी हमारे पास स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी। क्या स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ऑफ द सरफेस के ऑन विच इट एक्ट्स, जहां पे वो एक्ट हो रही है या जिस पॉइंट पे वो एक्ट हो रही है वो वाली फोर्स की बात की जा रही है पर यूनिट एरिया। तो इसका फार्मूला भी हमारे पास, स्ट्रेस का फार्मूला भी हमारे पास क्या बनता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इसका प्रेशर से, इसको प्रेशर ही कह लेते, इसको स्ट्रेस क्यों कहा। आपने इस बात को नोट करना है कि इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि परपेंडिकुलर, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेस प्रेशर की बात हुई थी उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि जी सिंपल फोर्स, उसमें ये कहा गया जो परपेंडिकुलर उसके ऊपर एक्ट करेगा उस पार्टिकल के ऊपर पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास डिफरेंस हो गया ना इस वाली फोर्स पर यूनिट एरिया में और इस वाली फोर्स पर यूनिट एरिया में। जब इसकी बात की गई, जब प्रेशर की बात की गई, तो आपके साथ एक उन्होंने टर्म जोड़ दी कि ये जो है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर बात की गई कि बस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में, आपने इसको हमेशा याद रखना है।
तो अगर अब हम एक प्रेशर को यूँ डिस्कस करें कि ये हमारे पास एक प्रेशर एक बॉडी पे लगा हुआ है, तो क्लास आप लोग कई दफ़ा पहले भी रिजॉल्व कर चुके हैं वेक्टर्स में अपने किसी भी एक वेक्टर को। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ दोबारा ड्रा कर लेती हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स का नाम है एफ। तो क्या मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल? हाँ बिल्कुल, हम हर वेक्टर को जो है, जो ये फोर्स लग रही थी वेक्टर के फॉर्म में, इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब जब जो ये डिवाइड की है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल है, क्या मैं इसको ये भी कॉल कर सकती हूँ कि ये टेंजेंशियल है? और जो वर्टिकल लगी है, इसको हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है? मैंने इसको दो में डिवाइड किया ना, फोर्स अपनी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया और एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ये एक पार्टिकल P पर एक सरफेस S के अंदर फोर्स लग रही थी, जिसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो दो कंपोनेंट्स से मैंने डिवाइड किया है, ये जो है इसलिए किया ताकि आपको बता सकूँ कि जो हमारा फ्लूड है उसके अंदर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ली जाए तो क्या होता है, और अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स ली जाए तो क्या होता है। हमारा जो फ्लूड है उसको पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा हम लोगों ने जो है ना वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस फोर्स को कंसिडर करना है, जैसे हम छोटी क्लास में किया करते थे, जिसमें हम लोग जो है वो जब यूनिट नॉर्मल लेते थे उसकी डायरेक्शन थंब की अरेक्ट है। अगर हम हाथ रखते हैं किसी एक रॉड के ऊपर, तो इस तरह फिंगर्स इसको पकड़ कर जो अपना थंब है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अपने थंब को इस तरह से ऊपर रखते हैं, फ्लोर की तरफ नहीं करते हैं इंसर्ट, ऊपर की तरफ रखते हैं। इसी रूल को यूज़ करते हुए मैंने इसके जो है कंपोनेंट्स बनाए हैं। ये जो फोर्स है उसमें ये जो वर्टिकल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरह टेंजेंशियल का भी ये बाहर की तरफ आ रहा है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो यूनिट इसके ऊपर नॉर्मल है एन कैप, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। पहले भी हम हमेशा जो है वो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मली लेते हैं, और आउटवर्ड यूनिट जो हम लोग लेते हैं उसको हम फिर पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ये सारी पुरानी बातें हैं, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया कि हम राइट हैंड रूल से यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया है और इस यूनिट नॉर्मल को जो हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो हम लेते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये सब बताने की रीज़न क्या है, इसको डिवाइड करने की रीज़न क्या है, इसके ऊपर मैं आगे और डिटेल में बात कर रही हूँ, अभी मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लग रही है, ये मैंने इस फोर्स को कहा है कि ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस लगा रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये स्ट्रेस लगा रही, कहता है अगर आप इस कंपोनेंट को देखें जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर हम सिर्फ उसे कंसीडर करें तो ये हमारे फ्लूड के अंदर मोशन नहीं लाता, इससे हमारा फ्लूड जो है वो उसकी मोशन स्टार्ट नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ मोशन तब आती है जब इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट वर्क करता है। स्टार्ट में जब मैंने फ्लूड की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई थी, तो मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड पढ़ाया था शीयर स्ट्रेस। तो मैंने कहा था कि हम इसको क्यों शीयर का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी मैं डिटेल करूँगी आपके साथ कि हम क्यों इसकी डेफिनेशन देना सिर्फ ये नहीं कहते कि कंटिन्यूसली जो है इसके ऊपर एक स्ट्रेस लग रही है, हम क्यों ये कहते हैं कि शीयर स्ट्रेस जो है वो लग रही है, तो उसी को मैं अब यहाँ पे आपके सामने डिटेल कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया स्ट्रेस को, स्ट्रेस की डेफिनेशन की, डेफिनेशन करने के बाद हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसको जो है वो क्या रखा, विद द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल एन कैप एज पॉजिटिव लिया, और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। देन द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द लोअर फ्लूड ऑन द अपर फ्लूड थ्रू द सर्फेस इज पॉजिटिव, एंड सिंस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द अपर फ्लूड ऑन द लोअर फ्लूड थ्रू द सर्फेस इज नेगेटिव। ये उसने एन कैप को, मेरी वो वाली बात बीच में रहेगी, वो थोड़ी नीचे आएगी, लेकिन उसने बीच में एक और एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल लिया था, ये जो है जब हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो जो ये जो फोर्स है ये कहाँ से लग रही है, ये फ्लूड पार्टिकल जो है वो रिएक्शन में लगा रहा है जो ऊपर से इसके ऊपर एक प्रेशर लगा था उसके लिए, यानी कि जब हमारे पास ये एक कंटेनर है इसके ऊपर जो फोर्स यहाँ से
फ्लूड पार्टिकल के ऊपर लगती है, तो इसके रिएक्शन में भी एक फ्लूड पार्टिकल जो है फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हमने एन कैप से शो किया है। तो कहता है इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर हम कहता है इसकी हमने ये वाला पार्टिकल लिया ना, इस वाले पार्टिकल को हमने कंसिडर किया हुआ है, कहता है अगर हम अपने इस पार्टिकल क्यू को टू लेयर्स में कन्वर्ट कर लें, कि एक हम लोअर फ्लूड, इस पार्टिकल की जो नीचे पार्टिकल्स हैं वो लोअर फ्लूड हैं, इस पार्टिकल के जो ऊपर पार्टिकल्स हैं वो अपर फ्लूड हैं। कहता अगर हम इस तरह से इसको कंसिडर करें तो कहता है कि जो फोर्स लोअर फ्लूड से ऊपर वाले फ्लूड्स पर लग रही है वो पॉजिटिव होगी, और जो ऊपर वाले से नीचे वालों पर लग रही है वो नेगेटिव होगी। इसको डिटेल में देखिए वो क्या कह रहा है। वो कहता है ये जो आप लोगों ने एक पार्टिकल लिया है, इस पार्टिकल के जो नीचे तमाम पार्टिकल हैं इनको हम कह दें ये लोअर फ्लूड हैं, और जितने इस पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल हैं, हमने बीच में से कोई एक पार्टिकल उठाया हुआ है ना, इसके कुछ ऊपर भी पार्टिकल्स हैं, इसके कुछ नीचे भी पार्टिकल्स हैं, तो वो कहता है ये जो आपके इसके ऊपर पार्टिकल्स हैं, ये जो यहाँ जो नीचे पार्टिकल्स हैं जो, और इसके जो ऊपर पार्टिकल्स हैं, इनकी जो फोर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट होगा। कहता है इस पार्टिकल के जो नीचे वाले लोअर वाले हैं वो ऊपर की तरफ जो इस पार्टिकल पे लगा रहे हैं वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, और जो इसके ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं हम बोलेंगे वो नेगेटिव हैं। यानी उसने उस पार्टिकल की भी आगे टू लेयर्स डिवाइड कर दी, और उसने बोला कि अगर आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो वो बोलोगे नेगेटिव है, फोर्स सेम इक्वल होगी हर पार्टिकल के ऊपर। जब बाहर से एक फोर्स लग रही होती है तो वो पार्टिकल भी उस पर एक फोर्स लगा रहा होता है, क्योंकि फोर्स जब लगती है तो हमने थर्ड न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है कि एक्शन का, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। तो वो मैग्नीट्यूड में तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, लेकिन कहता है वो साइन में इक्वल नहीं होंगी। जो फोर्स नीचे से ऊपर लग रही होगी, जो कि ये फ्लूड पार्टिकल की नीचे से ऊपर लग रही होगी, उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, और जो फोर्स ऊपर से नीचे लग रही होगी उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ये एक और कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया फ्लूड के अंदर। अब आपने इसको थ्रू आउट यूँ ही लेके चलना है, आप इसके ऑपोजिट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको यही कंसिडर करना है कि हम यूनिट नॉर्मल एन कैप अगर आपने बाहर की तरफ रखा है आउटवर्ड तो ये स्नैरियो होगा। अगर कुछ लोग यूनिट इनवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी अपने एन कैप की डायरेक्शन नीचे रखते हैं, तो उनका स्नैरियो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, उनकी ऊपर को लगने वाली नेगेटिव और नीचे को लगने वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने इसकी डायरेक्शन तो अच्छे से समझ ली। अब हम लोगों को समझना है कि स्ट्रेस एट एनी पॉइंट पी इन जनरल मे बी इन एनी डायरेक्शन। अब वो जो प्रेशर जो स्ट्रेस का है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। द स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सर्फेस एट पी इज सेटिस्फाइड टू बी द नॉर्मल स्ट्रेस विच इज वाइल द स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल द सर्फेस पी इज कॉल्ड द शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये जो मैंने दो स्ट्रेसेस डिवाइड किए ना, एक ये वाली स्ट्रेस और ये वाली स्ट्रेस, इन दो स्ट्रेसेस को, ये जो एक कंपोनेंट एफ का था इसको मैंने दो में जो डिवाइड किया है, इसमें से जो ये वाली है जिसको मैं पर्पल से हाईलाइट कर रही हूँ, इसको इसका उसने कंफर्म नाम रख दिया है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस इस तरफ है जो कि ले डाउन साइड में, उसका उसने 100% यानी कि हमेशा आगे हमारी पूरी फ्लूड के लिए थ्रू आउट उसका नाम रख दिया है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास जब भी स्ट्रेस की बात होगी तो स्ट्रेस की जब भी बात होगी तो इसके फिर आगे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हुआ करेंगे। एक का नाम होगा हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और एक का नाम होगा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। और जब भी फ्लूड की बात की जाती है तो फिर शेयरिंग स्ट्रेस को कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस को कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल फोर्स लग रही है किसी फ्लूड के ऊपर, ये फ्लूड पड़ा हुआ है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो देखिए मोशन नहीं स्टार्ट होगी, वो नीचे को बस फोर्स लगेगी लेकिन फ्लूड में मोशन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी फ्लूड के ऊपर इधर टेंजेंशियल साइड के ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये फ्लूड मोशन करना स्टार्ट कर देगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मैं बात कर रही हूँ एक खुला आपके पास अगर वेजल है, इस वेजल के अंदर फ्लूड पड़ा हुआ है, ये सारा हमारे पास फ्लूड है, इस फ्लूड के ऊपर अगर ऊपर से कोई पर्सन यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा दे तो क्या होगा? पानी में मोशन स्टार्ट नहीं होगी। इसके अंदर अगर होती भी है मोशन तो वो हल्की सी रैंडमली उसकी जगह पार्टिकल्स की चेंज होगी, इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से फ्लूड को
हल्का सा स्टिक की हेल्प से मूव करें या इस पर थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएं, तो क्या होगा, ये फ्लूड जो आगे को मूव करेगा। चाहे आप इसके ऊपर एक कागज़ की बोट रख के देखें और इसको ऊपर से प्रेस करें पानी को, तो बोट वहीं पे रह जाएगी, वहीं पे हल्की हल्की हिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरफ से एक फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, शेयरिंग स्ट्रेस उसके ऊपर लगाएंगे, तो क्या है, वो बोट आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। आपने छोटे होते पानी में ज़रूर कश्ती जो है वो चलाई होगी, जब बारिश होती है तो कागज़ का बना के आप चलाते होंगे। तो आपको आज इसमें जब आपने इस फ्लूड को पढ़ा तो आपको ये पता चल गया कि नॉर्मल स्ट्रेस लगाने से फ्लूड के अंदर मोशन नहीं आ रही, शेडिंग स्ट्रेस लगाने से फ्लूड के अंदर मोशन आ रही है। तो अब आप लोगों ने इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेना है कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। फॉर अ फ्लूड एट रेस्ट देयर कैन बी टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड द ओनली स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सर्फेस एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। द साइन इज नेगेटिव सिंस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। दस द प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द फ्लूड वैन फ्लूड्स आर इन मोशन। हाउ एवर देर आर आल्सो शेयरिंग स्ट्रेस इन एडिशन टू नॉर्मल स्ट्रेस। इस पूरे पैराग्राफ में उसने ये कहा है, जब भी फ्लूड रेस्ट में होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है नहीं है, नो टेंजेंशियल स्ट्रेस, वो रेस्ट पर है। मोशन जो नहीं हो रही, मोशन तभी होगी जब टेंजेंशियल अप्लाई हो जाएगा। तो कौन सी स्ट्रेस कंसिडर होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये भी एक MCQs बन गया कि अगर आपसे कोई ये पूछे आपका जो फ्लूड है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो विच स्ट्रेस इज प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस ही तो प्रेशर थी। अगर आपको कोई बोलेगा आपका फ्लूड जो है वो फ्लो में है, तो फिर कौन सी स्ट्रेस है, तो आप साथ ही बोलेंगे इसके ऊपर हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है, क्योंकि इसके अंदर मोशन है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो आप यहां बोलेंगे ये शेयरिंग स्ट्रेस है। ये बात यहाँ लिखी है कि अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस पी। तो कहता है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास माइनस पी के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी बोला कि हम लोग एक प्रेशर पढ़ते हैं ये जो कि पॉजिटिवली नीचे फ्लोर पर यूं लग रहा है। अब इस जिस पार्टिकल पे लग रहा है उसने रिएक्शन में भी एक फोर्स दी जिसको हमने एन कैप का नाम कहा था, तो वो कहता है वो इस प्रेशर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो भी, अगर आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कहता है हम लोग अपनी जो लेते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सर्फेस एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस पी, कहता है कि वो फिर उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी जो उसके ऊपर सिंपली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा था, उसी के जवाब में है ना वो वाली फोर्स। तो वो पी अगर है तो ये नेगेटिव पी हो जाएगी। द साइन नेगेटिव इज शो सिंस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। कह रहा है वो हमारे बताता है कि हमारे पास जो ये वाली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन इसका साइन डिफरेंट होगा क्योंकि वो उसके जवाब में उस पर लग रही है। दस द प्रेशर कैन बी डिफाइन एज द कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द फ्लूड। तो कहता है आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपसे कि प्रेशर को डिफाइन करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट। और अगर कोई आपसे कहे कि स्ट्रेस को डिफाइन करें व्हेन फ्लूड्स आर इन मोशन हाउएवर देयर आर आल्सो शेयरिंग स्ट्रेस इन एडिशन टू द नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो फिर आपके पास बेसिकली वो जो स्ट्रेस है वो तब प्रोड्यूस होकर मोशन होगी जब उसका हम शेयरिंग स्ट्रेस वाला कंपोनेंट लेंगे। तो बेसिकली प्रेशर और स्ट्रेस सेम थिंग है, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि प्रेशर जो है हमारे पास वर्टिकल सिर्फ परपेंडिकुलर लग रहा होता है, और जो स्ट्रेस है वो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी हो सकती है, जिसको हम फिर फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं कि ये वही फोर्स है जो नॉर्मल प्रेशर लगा रहा था, तो इसको हम प्रेशर की फॉर्म में ले जाते हैं। जो ये वाली हमारे पास बच जाती है नॉर्मल वाली, सॉरी टेंजेंशियल वाली, शेयरिंग वाली, इसको हम जो है उसके फ्लो में हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने अच्छे से आपको कंसेप्ट आज दे दिया कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ठीक है। स्ट्रेस के अंदर कभी भी
हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगने वाला जो है वो स्ट्रेस होता है, वो प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर प्रेशर के बाद डिस्कस किया हुआ है यूनिट्स और डायमेंशंस को। यूनिट्स और डायमेंशंस से पहले इसमें मैंने टेम्परेचर की स्लाइड इंसर्ट नहीं की, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कि ये हमारे पास जो है टेम्परेचर है। ये मैंने इसलिए नहीं किया, ये आप लोग छोटी क्लासेस में सारा पढ़ चुके हैं, ये आप खुद स्टडी करके आएंगे टेम्परेचर को कि हमारे पास जो है इसकी कितनी इसकी है वो, यानी कि इसको हम किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्सियस में कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में कर सकते हैं, केल्विन में कर सकते हैं, यानी इसकी यूनिट्स क्या क्या है हमारे पास, फिर इसका ऐसा यूनिट क्या है, और जो हमारे पास वाटर है वो किस कितने फिर बॉयल हो जाता है, इन तीनों के लिए अलग अलग हम देखेंगे कि सेल्सियस में, केल्विन में और फॉरेनहाइट में हमारा जो वाटर है वो कितने पे फ्रीज हो जाता है और कितने पे जो है वो बॉयल हो जाता है। फिर जब हम ये निकाल लेंगे कि इसमें सेल्सियस में जो है ये 0 डिग्री पे जो है फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पे बॉयल जाता है, केल्विन में ये 273 पर फ्रीज हो जाता है, 373 पे बॉयल हो जाता है, इसी तरह फॉरेनहाइट में जो है ये 0 पर 32 पे फ्रीज हो जाता है और 212 पे बॉयल जाता है। तो जब हमने ये सारे पॉइंट्स देखे इन तीनों यूनिट्स में, तो हमने देखा इनके दरमियान डिफरेंस कितना आता है, 0 से 100 के बाद 100 यूनिट्स आए, 273 से 373 के दरमियान जो है 100 यूनिट्स आए, और 32 से 212 के दरमियान 180 यूनिट्स आए। तो हमें पता लगा कि इसका रिलेशन अगर हम बनाना चाहें किसका, सेल्सियस का, केल्विन का और फारेनहाइट का, तो वो ये आता है कि इसके जो हमारे पास बॉइलिंग और या फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं उनको हम इक्वल में लिख लें, 0 डिग्री, 273 डिग्री, 32 डिग्री, और फिर बॉइलिंग लिख लें तो इनके डिफरेंस हमारे पास निकल के आ जाएंगे 100 डिग्री, 100 डिग्री और 180 डिग्री। ये स्पेसेस इनके दरमियान इक्वल हैं। इन स्पेसेस की हेल्प से छोटी क्लासेस में आप लोगों ने फिर 1 डिग्री सी के लिए फॉर्मूला निकाला था, उसकी हेल्प से हम ये लिखते हैं फिर इसको। और यहाँ से हम लोगों का पास ये डिग्री के लिए एक फार्मूला आ गया, फॉरेनहाइट के लिए एक फार्मूला आ गया। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर फॉरेनहाइट दिया जाए तो आप डिग्री निकाल सकते हैं, अगर डिग्री में आपको टेम्परेचर दिया जाए तो फॉरेनहाइट में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से फिर आप इस वाले तीनों रिलेशन से आप केल्विन और फॉरेनहाइट का भी रिलेशन बना सकते हैं, केल्विन और डिग्री का सेल्सियस का भी बना सकते हैं। अगर आपको केल्विन दिया हो तो आप सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस दिया हो तो आप केल्विन निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आपने, ये वाला रिलेशन जो आपके सामने नजर आ रहा है, आपको इसको आपने जुबानी याद कर लेना है। ये सारा आपने पहले काम पढ़ा हुआ छोटी क्लास में 9th-10th में किया हुआ है, इसलिए इसको वापस रिपीट नहीं कर रही मैं ये, बल्कि आपके सामने उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। उसने कहा ये टेम्परेचर है, ये इतना डिग्री सी है और इसका इतना डिग्री फारेनहाइट है, इनटू द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, कहता है इन दोनों को केल्विन स्केल में चेंज करें, तो हमें इसके फार्मूलाज आते हैं, हम उसमें पुट करेंगे और चेंज इसका निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है इसके लिए प्रॉपर्टी डेंसिटी पर आते हैं। तो डेंसिटी को जो है हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, छोटी क्लास में भी आप लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते थे। और इसका हमारे पास डेफिनेशन ये बनती है, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास जो है वो कंटेन हो रहा है। अब जो डेंसिटी है वो हमें किसी चीज़ की थिकनेस के बारे में भी बताती है कि हमारा जो फ्लूइड है वो कितना कॉम्पैक्ट है। जितनी हमारे पास इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, हम उतने बोलते हैं कि उसके पर यूनिट के अंदर उतना ही ज़्यादा मास आ रहा है। तो जितनी इसकी कम्पैक्टनेस बढ़ती जाती है तो हम बोलते हैं उतना ही हमारा फ्लूइड जो है वो थिक है। तो किसी चीज़ की डेंसिटी जब बढ़ती जाती है तो वो थिक ही होता जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, फार्मूला तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद ये तो है हमारे पास डेंसिटी, लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेट की, तो स्पेसिफिक वेट को जो है वो फ्लूइड में हम लोग जो यूज़ करेंगे टर्म, हम इसको कुछ लोग इसे गामा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गामा पढ़ते हैं, तो हम इसे गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो होती है ये हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पूरी बॉडी में से एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, अब वॉल्यूम को जो है मीटर क्यूब में लेते हैं ना, ये तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास आया ये हमने देखना है, कितना मास आया। लेकिन अगर बात की जाए गामा की, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है लेकिन मास नहीं होता, वेट होता है। कि इस
जो मास और वेट है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मास सिर्फ किसी चीज़ का मास बताता है कि इस बॉडी का मास इतना है। वेट जो है वो साथ में ये भी बताता है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे वो कितनी एक्ट कर रही है। यानी कि वेट जो है वो फर्दर इस तरह लिखा जाता है हमारे पास एम जी, कि हमारे पास जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, यानी इसके ऊपर वेट के ऊपर नीचे से जो हमारी फ्लोर है उसे कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये चीज़ हमारे पास वेट होती है, और मास जो है वो सिर्फ उसका मास देता है कि इसका जो है वो इतना मास है, वो साथ में ये नहीं बताता कि इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। तो इसी तरह से डेंसिटी और जो स्पेसिफिक वेट है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी। डेंसिटी, और इसको अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं कि ये भी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, मास और वेट सेम थिंग है, तो ये सेम चीज़ है, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी इसमें डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है कि जो मास है वो सिंपल मास होता है, जो वेट होता है उसका फार्मूला मज़ीद चेंज हो जाता है एम जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो फिर अगर हम देखा जाए एम ओवर वी, तो हमने अभी भी पढ़ा कि ये डेंसिटी की इक्वल होता है, तो फिर क्या मैं गैमा को ऐसे लिख सकती हूँ कि रो जी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है ना जी जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी, बस वो रो के साथ जब अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट बन जाएगा। यानी कि हम इसको सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ यूनिट वॉल्यूम, फोर्स ये वाली इसकी बात करें, फोर्स विच अट्रैक्ट्स द वॉल्यूम, यानी कि जो जो हमारे पास फोर्स है उसको अर्थ कितने वॉल्यूम को तरफ खींच रही है, इस तरह से भी हम इसको स्पेसिफिक वेट को बता सकते हैं। मास को तो हम डायरेक्ट सिर्फ यही कहते हैं ना कि एक यूनिट वॉल्यूम पे का के अंदर कितना मास आया, और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आया, ऐसे नहीं बोल सकते। हम इसको बोल सकते हैं ये फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ यूनिट वॉल्यूम, जिस यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम को जो अर्थ है वो कितनी फोर्स से एक्ट कर रही है, ये हमारे पास आएगा गैमा। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो बच्चे इसको सेम बना के बैठ जाते हैं कि एम ओवर वी है और वो जी डब्ल्यू ओवर वी है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी मास है, चलो ये वेट है। तो ये वेट जो है गामा जो है स्पेसिफिक वेट जो है वो ये बताता है कि अर्थ उस एक पर यूनिट वॉल्यूम को कितना खींच रही है, जबकि डेंसिटी ये बताती है कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। चलिए आपको जनरल एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछती हूँ क्लास में, आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिएगा। ये बताएं कि देखिए हमारे पास अगर एक बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं, मैं एक माउंटेन ले लेती हूँ, वैसे जनरल जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये माउंटेन जो है वो गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह पे है, पहाड़ है बहुत बड़ा, इस पहाड़ में से कुछ गोल्ड लेकर एक मैंने वॉच बनाई, ये भी गोल्ड की, ये मैंने गोल्ड की बनाई, तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी बताएं इसकी कितनी है। अक्सर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसकी डेंसिटी। तो मैं पूछूं गोल्ड इस माउंटेन की डेंसिटी ज़्यादा है या इस वॉच की जो मैंने यहाँ बनाई इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या जवाब देंगे, कोई भी स्टूडेंट बताए किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस वॉच की या इस माउंटेन की। स्टूडेंट्स बोले हैं अच्छा, देखिए मैंने इतना ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रगल किया, इतनी आपके ऊपर मेहनत की, लेकिन आपको मेरी मेरे पॉइंट माउंटेन की ज्यादा होगी क्योंकि इसमें मास ज्यादा है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या ये चीज पे गौर नहीं किया कि जो डेंसिटी का फार्मूला है वो बार बार मैम बता रही है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास आएगा। तो क्लास चाहे आप इस गोल्ड के पहाड़ का एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, मीटर क्यूब एरिया ले लें, और उसके अंदर देखिए कितना मास आया, चाहे आप इस वॉच के का एक मीटर क्यूब ले लें और उसके अंदर देखिए कितना मास आया, मुझे क्या लगे उसका कितना सारा जो है वो पीछे हुजूम है, मुझे क्या लगे उसकी कितनी
बड़ी बॉडी है, मुझे डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी क्या बताती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है। तो बेटे चाहे माउंटेन हो चाहे वॉच हो, ये सेम रहेगा, सेम डेंसिटी आएगी। ये तब चेंज होगी अगर मैं कहूंगी यहां पे गोल्ड की जगह प्लैटिनियम है, यानी कि ये मटीरियल टू मटीरियल चेंज करेगा जो डेंसिटी होगी। चाहे इतना बड़ा पहाड़ ले लूं मैं गोल्ड का, चाहे मैं एक वॉच ले लूं गोल्ड की, इनकी सेम डेंसिटी रहेगी, बिकॉज हमारे पास मटीरियल चेंज नहीं हो रहा। एक वॉल्यूम के अंदर जितना मास इस वाले पहाड़ के लिए आएगा एक यूनिट वॉल्यूम में, उतना ही इस वॉच के एक यूनिट वॉल्यूम में आएगा गोल्ड, चेंज नहीं होगा वन यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो आप लोगों ने ये जो छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको जरा अच्छे से सोच कर आना है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक तकिया ले लूं या फिर एक बहुत बड़ी रजाई ले लूं और वो सेम एक ही कॉटन से मिलकर बनी हो, तो आप कहें जी तकिए की डेंसिटी कम है और जी बड़ी रजाई की डेंसिटी ज़्यादा है। नहीं, वो दोनों कॉटन से मिलकर बनी है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों अपने एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर सेम मास लेकर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है, जब हमने डेंसिटी पढ़ ली, डेंसिटी स्टडी हो गई, फिर हमारे पास जो है वो गामा यानी कि स्पेसिफिक वेट स्टडी हो गया, तो लास्ट में हमारे पास आता है एक और टर्म, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ये वही चीज है जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, उसका ऑपोजिट कर लेंगे हम उसका। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड हो बाय अ यूनिट मास, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, किसमें, एक यूनिट मास में, फ्लूड के एक यूनिट मास के अंदर जितना वॉल्यूम आ रहा है। समझ आई इस बात की, रेसिप्रोकल डेंसिटी का। डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, वॉल्यूम को ऊपर कर दूं और मास को नीचे कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। यानी कि जो रो है वो होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। यानी कि हम कहते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आया वो हमारे पास डेंसिटी है, लेकिन अगर मैं कहूं एक यूनिट मास के अंदर जितना वॉल्यूम आया तो वो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला फिर हमारे पास, उसको हम शो करते हैं वी एस से स्पेसिफिक वॉल्यूम को, और वो हमारे पास एम ओवर वॉल्यूम की बजाय क्या होता है, वी ओवर एम होता है। यानी कि ये तो हमारे पास m ओवर v तो रो था ना, तो v ओवर m हमारे पास 1 ओवर रो जाता है। तो फिर हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला बनता है 1 ओवर रो। और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है वो रो है, तो फिर वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या है, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये हमारे पास क्या आ गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस कवर कर ली, डेंसिटी पढ़ ली, सेम टू सेम हमने स्पेसिफिक वेट पढ़ लिया, फिर हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी के बाद विस्कोसिटी भी है। कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड to the weight of an equal volume of water at a standard temperature। कह रहा है किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई कहे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो, तो आपने इन द एंड उसको या तो वाटर से कंपेरिजन में निकालना है या फिर एयर से कंपेरिजन में निकालना है। अगर आप उसको वाटर से कंपेरिजन में निकाल रहे हैं तो आप उसका नाम रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। अगर आप उसको गैस से कंपेरिजन से निकाल रहे हैं तो आप उसका नाम रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस किस फ्लूड के लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे कि एल्यूमिनियम की जो है वो निकालो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपको पता है ये एक गैस है, तो आप इसकी क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेरिजन किससे करेंगे, इसका गैस के साथ। और अगर आपको कोई कहे कि आप जो है वो हनी की निकालें स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो ये आप क्या निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे. हमने दो जो है स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं अपने पास कि जब भी हम किसी लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी काउंट करेंगे तो वो वाटर के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, और जब भी हम किसी गैस की करेंगे तो हम वो एयर के अकॉर्डिंग करेंगे. तो हमने दो स्टैंडर्ड्स कर लिए, वाटर और एयर. फॉर लिक्विड्स यूज वाटर, फॉर गैसेस वी यूज एयर. इसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला करेंगे और ये जो है वो रेशियो होगी जो भी हमारे पास असल के अंदर दिया होगा लिक्विड, उसकी रेशियो किसके साथ है विद रिस्पेक्ट टू वाटर. और वो भी उसने कहा है कि वाटर भी तो अब डिफरेंट तरह से होता है हमारे पास, बॉइलिंग सिचुएशन में भी होता है, फ्रीजिंग सिचुएशन में भी होता है. तो इसके लिए उसने कहा कि हम फिक्स कर लेंगे कि हम कितने डिग्री पर वाटर लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम तमाम तरह अपनी ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटीज निकाला करेंगे. तो कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड, अभी हम सिर्फ लिक्विड की बात कर लेते हैं, इन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो ये देखिए, अब मैंने किसी भी ऊपर जो भी हमारे पास लिक्विड है उसके वेट को डिवाइड कर दूंगी किसके वेट से, वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. सेम वॉल्यूम लेना दोनों चीज़ों का. अगर आपने वो जो है वो 2 मीटर क्यूब में उसको लिया हुआ है कंटेनर के अंदर, तो फिर आपने वाटर भी उतना ही लेना है. और इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स हम लेंगे. स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने वाटर के लिए सेट कर लिया हुआ है 4°C. ये मैथमेटिशियंस ने ये ऐसा यूनिट्स में इसको कंफर्म कर दिया हुआ है कि जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाएगी तो वो हमेशा वाटर का वेट 4° पे देगी और गैस का वेट जो है वो 0° पे देगी. तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि वी कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एट -degree ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो हम उसमें वेट लेंगे वो कितने डिग्री पर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4°. और अगर आपसे पूछा जाए कि एयर का लेंगे तो वो उसका जवाब आएगा 0°. ठीक है, अब 4° पे कितना होता है वेट इसका वाटर का और गैस का, ये भी आगे दिया हुआ है, ये भी हम कहीं पढ़ लेंगे आगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम कंप्रेसिबिलिटी और वो विस्कोसिटी से स्टार्ट करेंगे. PPT मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, आप उससे भी इन तमाम हाईलाइट्स को देख सकते हैं. लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम सारा लेक्चर जो उस पर से याद करेंगे या इस पर से याद करेंगे, तो मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपनी बुक को लेकर फॉलो करें ताकि जो पॉइंट्स वहाँ पर स्किप भी हो गए हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएँ.